नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 के 26वें मैच में सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वार्नर ने सनराइजर हैदराबाद की टीम के लिए खेलते हुए 3500 रन बना लिए। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वार्नर के ही नाम है। बता दें, वार्नर के बाद शिखर धवन सनराइजर हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। धवन ने हैदराबाद के लिए खेलते हुए 2768 रन बनाए हैं। अब धवन हैदराबाद की टीम का हिस्सा नहीं है, वहीं केन विलियमसन हैदराबाद के लिए अब तक 1375 रन बना चुके हैं। इसके अलावा वार्नर आईपीएल में 5000 रन बनाने में भी कामयाब होने वाले हैं। वार्नर आईपीएल में 5000 रन बनाने के बेहद करीब हैं। अब तक आईपीएल में 5000 या उससे ज्यादा रन विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना ने बनाए हैं। विराट ने आईपीएल में अब तक 5635 रन बनाए हैं, वहीं सुरेश रैना के नाम आईपीएल में अब तक 5368 रन दर्ज हैं। वार्नर के नाम आईपीएल में 4500 रन हो गए हैं। इसके अलावा रोहित ने आईपीएल में अब तक 5109 रन बनाए हैं। बता दें, वार्नर आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर आईपीएल में 5000 रन के आंकड़े को छूने में सफल रहे तो पहले विदेशी बल्लेबाज भी बन जाएंगे। आपको बता दें, आईपीएल 2020 के 26वें मैच में हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इस मुकाबले में डेविड वार्नर अर्धशतक से चूक गए, लेकिन 48 रनों की पारी जरूर खेली थी। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स के सामने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।